CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम गार्गी। वैदिक काल की भारतीय महिलाएं अपनी तीव्र बुद्धि और ऊंचे आध्यात्मिक गुणों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भी भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। इन्हीं में से एक है गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वचकनवी गार्गी। इन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाएं भी लिखी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका मुख्य रूप से वर्णन है। आज फिर राजा जनक ने दार्शनिक सभा का आयोजन किया है। इस वार्षिक सभा में हर वर्ष शिक्षा और ज्ञान के विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो आइए चलते हैं राजा जनक की राजसभा में। आज देखते हैं सभा में क्या होता है। किंतु कारण तो है। अरे मित्र, मैं तो प्रतिवर्ष राजा जनक की दार्शनिक सभा में आता हूँ। उनकी सभा में गार्गी नामक विदुषी दार्शनिक हैं। उनका वाद विवाद अत्यंत ज्ञानवर्धक होता है। गार्गी जी? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं भी उन्हीं से मिलने आया हूँ। सुना है वो बहुत बड़ी विदुषी हैं। निसंदेह निसंदेह। अरे राजसभा कितनी सुंदर सजी है। हाँ देखो तो, यहाँ कितने विद्वान आए हुए हैं। कितना सुंदर आयोजन है। हम तो धन्य हो गए राजा जनक जैसे ज्ञान प्रेमी की सभा में आकर। अरे इसी से तो शिक्षा का प्रसार होता है और ज्ञान वर्धन भी। हाँ ये तो सत्य है। रोचक रहेगा आज का। अरे देखो देखो, महाराजा जनक और महारानी सुनैना पधार रहे हैं। मिथिला नरेश महाराजाधिराज राजा जनक रानी सुनैना के साथ पधार रहे हैं। महाराज जनक की जय। महारानी सुनैना की जय। महाराज जनक की जय। महारानी सुनैना की जय। शांत शांत। इस सभा में आए हुए सभी आदरणीय अति विशिष्ट ऋषियों विद्वानों एवं विदुषियों को प्रणाम। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महारानी सुनैना जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। सभा के आरंभ में हम चाहते हैं कि आदरणीय विदुषी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न पूछे। इस बारे में आप क्या कहती हैं महारानी? उत्तम, अति उत्तम विचार। साधु साधु, देखो महाराज जनक ने स्त्री से शुभारंभ कराया है इस प्रतियोगिता का। महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का वाद विवाद तो सुनने योग्य होगा। निसंदेह, दोनों ही बहुत बड़े ज्ञानी जो हैं। गार्गी जी, महाराज जनक आपको और मिथिला की महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम, प्रणाम। महर्षि याज्ञवल्क्य जी और सभी सभाजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मति भव। महर्षि याज्ञवल्क्य जी से मेरा पहला प्रश्न है। महर्षि, अपने आप को जानने के लिए अर्थात आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। परंतु महर्षि, आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं। आपने तो दो दो विवाह किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने जीवन से एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं? ये कैसा प्रश्न कर लिया गार्गी ने? परंतु प्रश्न एकदम उपयुक्त है। महर्षि की दो पत्नियां हैं, उत्तर तो देना ही होगा। कितनी निडर है गार्गी। सुनो सुनो, आगे सुनते हैं। हाँ, सत्य, सत्य। पहले मैं तुमसे पूछता हूँ गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है? जो परम सत्य की खोज में लीन रहे। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? महर्षि, जो स्वतंत्र है केवल वही सत्य की खोज कर सकता है। और विवाह तो एक बंधन है। विवाह बंधन है? जी हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं।
तुम ऐसा कैसे कह सकती हो गार्गी? ऋषिवर, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है। हर समय मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहां से है? तो सच में विवाह बंधन ही तो है महर्षि। ये तो सत्य कहा गार्गी ने। हाँ हाँ, ऐसे प्रश्न तो गार्गी ही पूछ सकती हैं। अच्छा गार्गी, ये बताओ, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? महर्षि, प्रेम भी तो बंधन ही है। उत्तम, अति उत्तम गार्गी। उत्तम, उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। कितनी सरलता से ऋषि को अपने शब्दों में ही उलझा दिया है गार्गी ने। हाँ, कितनी विद्वान है गार्गी, अद्भुत। परंतु गार्गी, सच्चा प्रेम तो मुक्त कर देता है। जब प्रेम में स्वार्थ होता है तो वो बंधन बन जाता है। मुख्य समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है। किंतु मेरा मानना है प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है महर्षि। प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। सुनने में तो आपके शब्द अच्छे लग रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? उत्तम कोटि का गार्गी, अपनी आंखें खोलो और देखो, पूरा जगत निस्वार्थ प्रेम का ही प्रमाण है। ये प्रकृति ही निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। ये निस्वार्थ प्रेम ही है गार्गी। जी ऋषिवर, फिर ऐसे प्रेम से सत्य को खोजने में कैसी बाधा? ऋषिवर, आपने मेरी ज्ञान की पिपासा को शांत किया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु। महर्षि, आपने तो ज्ञान और प्रेम की वास्तविक दिशा हमें दिखा दी है। ऋषिवर, आपके ज्ञान वर्धक वचनों को सुनकर हम धन्य हो गए। धन्यवाद महाराज जनक, धन्यवाद महारानी। और पुनः मैं गार्गी जी से कहना चाहता हूं कि जब प्रेम में स्वार्थ न हो तभी वो प्रेम होता है। अद्भुत, कितने सुंदर विचार हैं महर्षि के। ऐसे ही वाद विवाद से तो ज्ञानवर्धन होता है। निसंदेह गार्गी के आत्मविश्वास के कारण स्त्रियों को ज्ञान के क्षेत्र में और आदर के साथ देखा जाएगा। कितनी विनम्रता और सहनशीलता का परिचय दिया है। धन्य है विदुषी गार्गी। धन्य है भारत की नारी, धन्य है विदुषी गार्गी। इतनी ज्ञानी होते हुए भी लेश मात्र अहंकार नहीं है इनमें। वाह वाह, अति सुंदर, ये उत्तम कोटि की विदुषी है। अति सुंदर, अति सुंदर, वास्तविक। हम धन्य हुए इतने उच्च स्तर के शास्त्रार्थ को सुनकर। साधु 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 साधु। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराज जनक ने शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया है। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ सुनने के लिए यहां बहुत दूर दूर से ज्ञानी और ऋषि मुनि पधारे हैं। इस बार तो राजा जनक ने पुरस्कार भी रखा है। हाँ हाँ, 1000 गायें पुरस्कार में दी जाएंगी। अरे और यही नहीं, गायों के सींग भी सोने से मढ़े हुए हैं। अरे भाई देखें इस बार कौन विजेता होंगे।
अरे सुना नहीं, महाराज जनक ने कहा है जो भी सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उसे ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ। अरे सुनो सुनो सुनो, याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं। हे सामश्रवा, गौशाला में खड़ी सभी 1,000 गायों को हमारे आश्रम की ओर हांक लो। ठहरिए ऋषिवर। अरे ये गार्गी ने महर्षि को रोक ले। अरे सुनो 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 सुनो, क्या कहती हूँ। हे ऋषिवर प्रणाम, क्या आप स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने गायों को हांकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया। गार्गी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया। आपको मोह हुआ, किंतु ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए योग्य कारण तो नहीं है ऋषिवर। यदि आपकी आज्ञा हो तो ऋषिवर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप इनके उत्तर दे पाए तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाए। क्या है? राजा जनक की सभा में सब विद्वानों के सामने कोई विरला ही महर्षि से प्रश्न पूछ सकता है, और ये नारी होते हुए भी कितना साहस से भरा हुआ स्वर है। हाँ। ऋषिवर प्रश्न सुनिए। जल के संबंध में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो ये जल किस में जाकर मिल जाता है? अर्थात भगवान, ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत हैं, उस प्रकार जल किस में ओतप्रोत है? जल वायु में ओतप्रोत है। और वायु किस में ओतप्रोत है? वायु आकाश या अंतरिक्ष में ओतप्रोत है। तो अंतरिक्ष? अंतरिक्ष गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक? आदित्य लोक में। ऋषिवर ये बताइए, आदित्य लोक किस में ओतप्रोत है? चंद्र लोक में। गार्गी, चंद्र लोक किस में? नक्षत्र लोक में। और नक्षत्र लोक? देवलोक में ओतप्रोत है। देवलोक के विषय में बताइए ना ऋषिवर। ये प्रजापति लोक में ओतप्रोत है। प्रजापति लोक? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? गार्गी, ऐसे प्रश्न मत करो जिससे बुद्धि भ्रम में पड़ जाए। वास्तव में एक अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। महर्षि, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। आप वास्तव में महान हैं गुरुदेव। अब मेरे पास कोई प्रश्न शेष नहीं है। मेरे ज्ञान की जो क्षुधा थी वो अब शांत हो गई है। गार्गी, प्रश्न पूछना ज्ञान को विस्तार देना है। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। आज से तुम्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाएगा। गुरुवर, आभार। ऋषि याज्ञवल्क्य की जय। ऋषि याज्ञवल्क्य की जय। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय। महाराज जनक की जय। महाराज जनक की जय। महारानी सुनैना जी, विदुषी गार्गी के इस शास्त्रार्थ से न केवल उनका अपितु हमारा भी ज्ञान वर्धन हुआ है। जी महाराज, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ऐसे आयोजन जिस देश में हो वो देश शिक्षा के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रह सकता। आपका वचन सत्य है महारानी। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय। गार्गी इस शास्त्रार्थ में पराजित तो हुई, परंतु अपने ज्ञान और अपनी विनम्रता के कारण उन्होंने सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। इसी कारण उनके नाम पर विविध शिक्षा संस्थानों के नाम भी रखे जाते हैं। आज के काल में भी हमारे देश में कोई लड़की अगर डिबेट में अच्छी हो या अच्छी ओरेटर हो तो उसे कहा जाता है कि वो तो गार्गी जैसी है।
सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ऐसी ब्रह्मवादिनी महान विदुषी गार्गी को हम सब भारतवासी प्रणाम करते हैं। जय हो वाचकनवी गार्गी। गार्गी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मीडिया समन्वय राजेश निमेश, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो, कलाकार अश्विनी वालिया, नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, परवेज गौहर, मुइनुल हसन, सादिया रहमान, सुनील लोहिया और मेघा। आलेख सुधा पुरी। ध्वनियांकन बटिलेंग लिंगडो, विकास सांगवान और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग कुसुमलता, अमित कुमार और सौम्या मलिक। निर्देशन ध्वनि संपादन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।